हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सीमा और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जिसका नाम है रोज टिप्स एट होम। दोस्तों, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपके फेस पर डस्ट और पोल्यूशन की वजह से जो पिंपल्स हो जाते हैं, पिंपल्स हैं अभी भी या उनके निशान रह गए हैं, तो किस तरीके से आप उनको बड़े ही आसानी से घर पे बनी हुई रेमेडी से दूर कर सकते हैं। इसके लिए आपको ज्यादा एफर्ट या मेहनत कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ना कोई महंगा प्रोडक्ट यूज करना है, ना कोई ट्रीटमेंट लेना है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको घर में जो आपके किचन में दो चीजें होती हैं उनको मिक्स करना है, अप्लाई करना है, और आप एक या दो बार के यूज से ही फर्क देखेंगे कि जो आपकी जो पिंपल्स हैं वो आपके फेस से किस तरीके से खत्म होते जा रहे हैं, और आपको इससे किसी तरीके का पेन भी नहीं होगा, बड़ा आप रिलैक्स फील करेंगे। इस रेमेडी को मेल फीमेल कोई भी है, किसी भी एज का है, वो यूज कर सकता है। ये नहीं कि भाई इसको गर्ल्स यूज करेंगे बॉयज नहीं कर सकते, या बॉयज करेंगे गर्ल्स नहीं कर सकती, सब इसको इक्वली यूज कर सकते हैं। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है दोस्तों, यकीन मानिए, अच्छी रेमेडी है, तभी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आइए, आज की जो रेमेडी है उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज की जो रेमेडी है उसको बनाने के लिए हम सबसे पहले कि प्लेट या बाउल जो भी है आपके पास उसको लेंगे, और उसके बाद जो हमारी पहली चीज है वो है हमारा एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल लेना है हमें सिर्फ थोड़ा सा, आधा चम्मच। आधा चम्मच लेना है हमें एलोवेरा जेल। और जो हमारी दूसरी और लास्ट चीज है आज की रेमेडी के अंदर वो है हमारा ऑरेंज जूस। ये भी हमें लेना है सिर्फ आधा चम्मच। ये याद रखें थोड़ा पल्पी हो, और इन दोनों चीजों को हम चम्मच से इस तरीके से मिक्स कर देंगे। तो दोस्तों, जो हमारी रेमेडी है आज की वो बनकर तैयार हो गई है। अब मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से इसको आपको अपने फेस पर यूज करना है। चलो दोस्तों, अब मैं बताती हूँ कि इस रेमेडी को किस तरीके से आपको अपने फेस पर यूज करना है। इसके लिए आपको ज्यादा कोई झंझट लेने वाली जरूरत नहीं है, कुछ भी ज्यादा वो मेहनत का काम नहीं है। सिर्फ एक कॉटन लेंगे और कॉटन में लगाकर इसको इस तरीके से अपने फेस पर लगाएंगे, पूरे फेस पर। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने इसको अपने पूरे फेस पर लगा लिया है। फेस पर लगाने के बाद इसको 10 मिनट तक रखना है, और 10 मिनट तक रखने के बाद आपको इसे ठंडे पानी से वॉश कर देना है। वॉश करने के बाद आपको 1 घंटे तक ना तो फेस पर कोई क्रीम लगानी है, किसी भी टाइप का कोई कॉस्मेटिक नहीं, और ना ही सोप का यूज करना है 1 घंटे तक। इस रेमेडी को सिर्फ आपको हफ्ते में 1 या 2 बार जैसे मैंने बताया वैसे यूज करना है, और कुछ कर लगाने की जरूरत नहीं है। आप खुद ही देखेंगे कि किस तरीके से जो आपके सारे पिंपल्स हैं उसके मार्क्स हैं वो चले गए हैं। दोस्तों, अब मैं मिलती हूँ आपसे 10 मिनट के बाद इसको वॉश करके। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, जो आज की हमारी वीडियो के अंदर रेमेडी थी उसको बनाना और यूज करना कितना ईजी है। इसके लिए ज्यादा एफर्ट भी नहीं लगते, ना ज्यादा कुछ करने की जरूरत है, ना बाहर से ज्यादा सामान लेना है। बस जैसे मैंने बताया, आपको हफ्ते में 1 या 2 बार जैसे भी आपको सुटेबल हो इसको अप्लाई करना अपने फेस पे, और आप खुद ही इसका 2-3 बार के यूज से फर्क देखेंगे। अगर आपको ज्यादा है दिक्कत, ज्यादा पिंपल्स हैं या पिंपल्स के निशान ज्यादा रह गए हैं फेस पे, तो आप इसको 1 दिन छोड़कर 1 दिन भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो बस हफ्ते में 1 या 2 बार यूज करें वो काफी है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो, मेरी ये रेमेडी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही जो बेल आइकन होता है उसको भी प्रेस करें ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू, बाय।